हमारे जो जैसे हमारे छात्र ने अभी बताया, हमारे चेयरमैन सर और मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम का ये विजन है कि बस पढ़ाई में ना ध्यान देते हुए बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में स्पेशली बहुत दिलचस्पी लेना चाहिए। और इसके वजह से वेदर कोरोना है नहीं है, स्पोर्ट्स का इतना इम्पोर्टेंस रायन इंटरनेशनल स्कूल्स में हमेशा दिया जाता है। और अभी 2 साल के बाद अगर कोई और स्कूल ऐसा लार्ज स्केल में स्पोर्ट्स डे करे ना करे, पर हमारे चेयरमैन सर और मैडम का ये विजन है कि सारे बच्चों को ऐसे एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होना चाहिए, खेलना चाहिए और एक दूसरे का स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे लिए 2 साल के गैप के बाद जो हमने ऑनलाइन किया स्पोर्ट्स, उसके बाद ऑफलाइन करना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी है। और इसीलिए आप इतना लार्ज स्केल और इतना एफर्ट हमारा इसमें देख रहे हैं। तो स्पोर्ट्स रायन ग्रुप ऑफ स्कूल्स हमारे सर और मैडम की तरफ से बहुत मायने रखता है और इसका एक उदाहरण ये है। मेरा नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर है, मैं ऑल इंडियन टाइकोंडो फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे कि मुझे आज यहाँ पर रायन प्रिंसिपल मैम निशा शर्मा मैम ने इनवाइट किया है, मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ उसके लिए। और मैं यहाँ इवेंट देख रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। और मैं वैसे भी ऑलरेडी मैं रायन फैमिली ग्रुप का मेम्बर ही हूँ, मैं एसोसिएट हूँ उनके साथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये चाहूँगा जिस तरह का ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए। थैंक यू। कार्यक्रम में आप पहुँचे, क्या कुछ खास छात्रों को कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? मेरा नाम ललित वशिष्ठ है और मैं बॉडी बिल्डिंग में नॉर्थ इंडिया चैंपियन हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं कहूँगा बच्चे आगे प्रगति करें और अपना आगे से आगे अच्छे से अच्छा योगदान दें। आप अंडर 19 फेल करके आए हैं, रयान स्कूल के आप छात्र रहे हैं, क्या कुछ खास रयान स्कूल की तरफ से आपका सहयोग रहा या आपको रयान ने कितना सहयोग किया? हाँ, बचपन से ही मैं रयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हूँ मयूर विहार में। तो जब मैं छोटा था और स्टार्टिंग में जब मैं प्री नर्सरी और इसमें था, तो मैंने क्रिकेट को जब एज अ करियर नहीं देखा था। तो जो मेरी क्रिकेट की स्टार्टिंग ही एक्चुअली ऐसी हुई है कि जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे दुबे सर, उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा था गेम्स पीरियड में। उसके बाद उन्होंने पापा को बताया था कि क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, आपने देखा है? तो हमारे घर में एक्चुअली सभी पढ़ाई वाले बैकग्राउंड से थे, तो पापा ने कभी देखा नहीं था। तो जब PTM पे गए थे तो जब सर ने बताया, उसके बाद से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। तो वही एक सबसे बड़ा स्टार्ट ही मेरा रायन इंटरनेशनल से हुआ है। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं रायन इंटरनेशनल में था। रायन के लिए क्या खास कहना चाहेंगे? जब भी जैसे प्रिंसिपल मैम है हमारी, तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि जब भी मैं मैच खेलने जाता हूँ, अपने टूर्नामेंट्स खेलने जाता हूँ, तो हमेशा मेरे चाहे एग्जाम भी उन्होंने बाद में ले लिए हैं, तो इससे बड़ा सपोर्ट कोई स्कूल कर नहीं कर सकता। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं रायन। आप की तरह कोई छात्र क्रिकेटर बनना चाहे तो क्या करें? सबसे पहले कि अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही आप आगे जा सकते हो, आप स्पोर्ट्स से भी बहुत नाम कमा सकते हो अगर आप अच्छा खेलते हो, आप पे पैशन है। तो हमेशा मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो हमेशा पुश करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में। सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहूँगा चेयरमैन सर, डायरेक्टर मैम को, जिनका एक बहुत बड़ा विजन है स्पोर्ट्स को लेकर भी। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ऐसे चेयरमैन सर हमारे को इतना सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स में भी।